कभी केंद्र सरकार कहती है कि बिहार विशेष राज्य के मानक को पूरा नहीं करता है, तो हम तो साहब यही बोलेंगे कि ठीक है, बिहार कम से कम गुजरात और महाराष्ट्र वाला मानक को तो पूरा करता है। हमें जो आंशिक लाभ है 371 का महाराष्ट्र और गुजरात को जो मिल रहा है, वही हमारे बिहार को भी फायदा मिलनी चाहिए। साथियों आपको बता दूं, कोई भी बोला कि कल कारखाना लगेंगे, कहाँ से लगेंगे? आपके पास न कच्चा माल है, न सस्ता वाटर ट्रांसपोर्ट की है, फिर माल कैसे लगेगा? साथियों यही कारण है।